आगे बढ़ते हैं। महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने बीकानेर में ऊंट गाड़ी और बैलगाड़ी पर सवार होकर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष महेंद्र गहलोत ने कहा, आज क्रूड ऑयल के भाव कम होने के बावजूद आम जन की कमर टूट रही है। डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर कांग्रेस यहां प्रदर्शन कर रही है। पूरे राजस्थान में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नेताओं की अगुवाई में प्रदर्शन हो रहा है। देख सकते हैं यहां पर तमाम लोग हैं और ये अलग अलग केंद्र सरकार के खिलाफ स्लोगन लिए हुए लोग यहां पर खड़े हैं। जिला अध्यक्ष महेंद्र गहलोत, बात शुरू करते हैं उनसे। महेंद्र जी, सास भी कभी बहू थी, यूं तो आप जो मनमोहन सरकार थी तब ऐसी तस्वीरें दिखती थी, अब फिर वैसी तस्वीरें दिख रही हैं, क्या लगता है, क्या केंद्र सरकार ऐसे प्रदर्शनों से कुछ चेतेगी? बिल्कुल लक्ष्मण राघव जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। आज हम हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के और प्रदेश प्रभारी अजय माकन जी के, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा के आह्वान पर तमाम जो कांग्रेस जन हैं, हम इस बात को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जब हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, जब पेट्रोल पर 9 रुपये 20 पैसे एक्साइज ड्यूटी हम लिया करते थे और डीजल पर 3 रुपये 40 पैसे थी, आज पेट्रोल पर 32 रुपये 90 पैसे है और 31 रुपये 80 पैसे डीजल पर है। ये फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। गैस के दाम बढ़े हैं, आप क्या कहेंगे? ये गैस के दाम बढ़ाने बहुत गलत बात है, क्योंकि गृहिणी के ऊपर बहुत बोझ पड़ता है। जैसे जहां हमारे शासनकाल में 350 रुपये थी, अब 900 रुपये में गैस मिल रही है। देख सकते हैं कांग्रेस सड़कों पर है, हालांकि ये बात भी सही है कि कांग्रेस के भीतर भी बहुत किचकिच हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों पर, जो मुद्दे सीधे तौर पर कहे जा सकते हैं जनता से जुड़े हैं, उन मुद्दों पर साथ लेकर कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि महंगाई जैसे मुद्दों पर वो जनता के साथ सड़कों पर हैं। देखना होगा इस तरह के प्रदर्शन का क्या मैसेज पूरे राज्य में रहता है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।